एक से एक फुटानी है भाई, हम लोग तो इन लोग का गुलामी करते करते। वेरी रो रही है जाने के लिए। नहीं रोते राजा, एरा जा नहीं रोते, तो बहुत बड़ा है हम ले क्या बाबू डेगा हमको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट प्रिंसेस ब्लॉग। आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 10:30 हो रहा है और ये रही मेरी पीहू घूम के आ गई। तो आज मेरे लिए स्पेशल डे है क्योंकि मेरा बेटा का आज रिजल्ट है, स्कूल से रिजल्ट आएगा फर्स्ट टर्म का। तो कह दो ना, आज आप लोग से उसको शेयर करेंगे। वैसे अभी जा रहा है बाबू रिजल्ट लेने, पीटीएम है आज, तो हम तो नहीं जा पा रहे क्योंकि हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम मतलब अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, प्लस पूजा पाठ करना है, तो हम नहीं जा पा रहे। बाबू और बाबू के पापा जा रहे हैं, तो बाबू आज रिजल्ट अच्छा लाने होंगे। कुछ भी आएगा मुझे नहीं पता। ये देखो कुछ भी आएगा, कुछ भी नहीं आना है ना, थप्पड़ लग गया। तो गाइस ये बाबू रेडी हो गया है, देखे लास्ट टाउन फर्स्ट टाउन का कुछ भी होगा। देखे बेटा ये हर्ट रहा, इधर आ जाओ हर्ट। लास्ट टाउन का फर्स्ट टाउन का कुछ भी नहीं, फर्स्ट आना है। ये हर्ष है, ये पी, हाँ भाई पी, फर्स्ट तो कोई और ही आ गया है। कोई और आ गया है हाँ। इन लोगों को मैम मतलब कल शायद कुछ मतलब गेसिंग में बता दी है कि कौन क्या क्या पोजीशन पे है, मगर आज मतलब जो होगा रिजल्ट तो आज तो हम लोग देख ही लेंगे। सो गाइस शेयर करेंगे, जो भी हो अच्छा हो बुरा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चा को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहिए, ना कि मतलब उदास या तोड़ना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि अच्छा और आगे अच्छा करो। तो ये लोग रेडी हो गया है, ये लोग रेडी हो गया, इधर उसके बाप को देखिए, बिहारी सब पे भारी वाला हाल है। तो ये रहा बाबू, नाश्ता भी कर लिया है। ये रही मेरी छुटकू, परी है छुटकू, ल ल ल क्या बोलेगा परी। भैया जा रहे रिजल्ट के लिए, हमारा चाय एक कप बना रहे हैं सिर्फ इनके लिए जल्दीबाजी में, इसलिए ये मैं कटोरा में बनाती हूँ। कटोरा में बनता नहीं है वैसे, सिस्पेन में बनता है, तो अभी हम कटोरी में बना रहे हैं क्योंकि इनको एक कप बनाना है ना, इसलिए हमारा चाय बन रहा है। दो पानी। तो ये हम चाय इनके लिए बना चुके हैं, आइए। एक से एक फुटानी है भाई, हम लोग तो इन लोग का गुलामी करते करते तो थक जाते हैं। ये पानी लाते हैं, चलते हैं, ये लीजिए पानी, ये रहा चाय। क्या कर रहे अब तुम, खा लिया है ना। तो ये लोग अब जाने वाला है रिजल्ट के लिए। और देखिए ये सब पिंपल, मतलब कोई भी ओकेजन आता है, कोई फेस्टिवल आएगा उसमें मेरा दर्शन करने आ जाता है ये लोग। इन लोग अलग से दर्शन कर देता है, माथा मेरा खराब कर देता है। मगर बहुत लड़कियां जानती होंगी कि कुछ फेस्टिवल आएगा जिसको पिंपल्स वगैरह होता है, वो लोग एकदम तैयार रहे कि फेस्टिवल आने वाला है, उसके साथ साथ ये लोग भी आएगा। पिंपल्स भी आएगा तो हमको भी आ गया, कोई बात नहीं है, तो होते जाते रहता है फेस पे। बेटा क्या उम्मीद है रिजल्ट का राजा? ऐसा क्यों बोलता, क्या क्या बोले कस के लाउडली बोलो। उसके लिए टेंशन नहीं है, फर्स्ट आना कोई प्रेशर नहीं है, तुम मेहनत करो और जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा, समझा। इसलिए बच्चों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए किसी चीज़ का कि तुमको फर्स्ट ही आना है, वो खुद पढ़ाई कर रहा है और उसको मतलब वो कहिए कि और अच्छा करे आगे रिजल्ट में, क्या बेटा है ना। अब बेटा एक गाना सुना देते, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, एक गा दो बेटा रॉक स्टार वाला। नो मुझे नहीं। बाबू बाबू जो है मेरा बहुत शरीफ है, बहुत शर्माता है ना बेटा, वो किससे देता मम्मा को एक बार अच्छा से। तो मेरा बाबू आज जा रहा है रिजल्ट के लिए, अच्छा से बाबू अच्छा अच्छा रिजल्ट लाना, और बस सब क्या बोलो। मुझे तो कम से कम 94.100 आई चाहिए। और देखो 94.100 क्या होता है, 94 बाय नहीं 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 गलत बात है, वैसे नहीं, तुमको 99% का लेके चलना है ना, 99 बाय 100 99.9 समझा।
खैर जाओ, रिजल्ट जैसा होता है वैसा हाँ बताना, लाना रिजल्ट और गाइस लोगों को दिखाना, सबको दिखाना, ठीक है? ठीक है चलो निकल गए हर्ष, चलो चलो बेटा। अरे परी तुमको नहीं जाना, भैया पीटीएम में जा रहा है, चलो 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 चलो। ये लोग पीटीएम के लिए जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, परी को अभी हम ले लेंगे। ये लोग अब पीटीएम के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बोलो, बाय 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 हर्ष। परी रो रही है जाने के लिए, नहीं रोते रह जा, एरा जाना, ही रोते हैं, सबको डांटेगा भैया रिजल्ट लेने के स्कूल। देखिए परी रो रही है अपने भैया के लिए, कैसे रोती हो, ओ ले बाप ले प्यारा बच्चा, ये रो रही है उसके साथ जाने के लिए, तो जा नहीं पाएगी ना, कैसे जाती बेटा, मम्मा भी नहीं गई तो। ये देखिए हर्ष चला गया, तो परी रो रही थी, बहुत रो रही थी, अब भी चुप हुई है। तो अब हर्ष आता है तो आप लोग से शेयर करेंगे उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या किया मतलब स्कूल में, उनको उसके पापा को मैम बताएंगी ही। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बक मेरा भाई जो है उस भी थोड़ा बीमार पड़ गया है, मतलब उसके भी हाथ में पूरा नस वाला कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके वजह से उसको कल परसों से ही वो डॉक्टर के पास भाग दौड़ कर रहा है। तो अभी तो अभी दिखा भी नहीं, वो कैमरा अक्सर वो पकड़ता है, मगर वो गया है डॉक्टर के पास, जाँच उसका कल हुआ है, आज का रिपोर्ट आएगा, प्लस उसका ट्रीटमेंट चलेगा आज से। तो बस भगवान जी मतलब जो भी जांच में आए अच्छा आए और कुछ ना हो, सब अच्छा हो। तो वो आता है उसके बाद से हम मतलब अब ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि हाथ मेरा खुद भी दुख जाता है, प्लस इन लोगों को भी देखना है, तो वो आता है फिर उस बीच बाबू आएगा, उसको शेयर करेंगे, उसके बाद से मतलब जो भी होगा गाइज आप लोग से शेयर करेंगे। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं, जो जो पहले से हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो लाएंगे तो वो आप लोग के पास जाएगा। हाँ हर्ष आ गया लगता है रिजल्ट लेके, ये लोग अभी यहाँ गेट पर बैठा है। अरे बाबू रे रिजल्ट कार्ड तो बहुत बड़ा है, हम ले क्या बाबू बेटेगा हमको, उतरा बेटा। ये लोग गेट के पास पे बैठ गया था, आ जाओ। क्या रिजल्ट है बेटा, क्या इंग्लिश में देख लो, मार्क्स देखेंगे, परसेंटेज बताओ, परसेंटेज मम्मा लो, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, हम अपना ले लेते हैं, देखो आइसक्रीम, देखो खेलो, सेलिब्रेट कर रहा अपना रिजल्ट का आइसक्रीम के साथ, हाँ आइसक्रीम खा रहा बच्चा लो मेरा, ठीक। आइसक्रीम खा रही अच्छी बात नहीं है, इस ठंडा यहाँ ठंडी स्टार्ट है, यहाँ ठंडा ही स्टार्ट है, ये लो आइसक्रीम खा रहा, खा बेटा तुम भी, अभी अभी पता तुम तो सब बोलो बताओ, अच्छा मार्क्स है, बाप रे बाप, मेरा बाबू फर्स्ट किया है, अरे बाप, इतना खुश हो गया मेरा बच्चा, किस डेडो, परसेंटेज सही है, ठीक है, एट अब फर्स्ट कवर नहीं है। सो गाइस मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है बाबू का, टोटल मार्क्स 440 देख लो टोटल, हाँ 440 यस, मतलब रिजल्ट अच्छा किया है, क्लास में 8 पोजीशन पे है, और मिला जुला के परसेंटेज भी सही है, हमको लगता है कि 88 शायद है, क्या हम देख के फिर बताते हैं। शो गाइस बाबू का रिजल्ट अच्छा है और तुमको बेस्ट करना है, ठीक है, पर मैं अपने टोटल मार्क्स बताते हैं, 440 है, 440 फुल मार्क्स है इसका, वो लगता है 88% के आसपास है, 88% है, और मार्क्स सब में सही है, वही हमको लगता है ये सब इसका वर्ड में जो है ना, वर्ड में गलत उलट करता है इस वजह से। अच्छा मेरा वर्ड में एक स्पेलिंग गलत नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कॉपी तुम देखा बढ़िया से, पिछले बार हम गए थे रिजल्ट लेने के लिए तो उसमें था इसका, हिंदी में मात्रा, इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं वर्ड, जो भी स्पेलिंग में कहीं कहीं मिस्टेक था, ऐसी बात नहीं है, मिड टर्म हुआ नहीं। शो गाइस हम अब पूजा पाठ कर लिए हैं सब कुछ, अब दीपक भी आ गया है,
तो उसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर बोले, पूछ लेते हैं क्या ये सोया हुआ है, इसका तबीयत ठीक नहीं है ना, सोया हुआ है ये, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, उठो। डॉक्टर नहीं था आज, तो रिपोर्ट वोट आज दिए कल 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 तो गाइज मतलब रिपोर्ट आज नहीं, रिपोर्ट ले लिया ना, रिपोर्ट ले लिया है, डॉक्टर कल देखेंगे, तो अभी कुछ बताए नहीं ना, तबीयत ठीक नहीं ले लूँगा, मतलब इसका अभी तबीयत ख़राब हो गया है बीच में, तो देखते हैं इसको कल दिखा लेता है तो थोड़ा सा आदमी फ्री हो जाएगा, ऐसे टेंशन थोड़ा सर पे है कि क्या है नहीं है। सो गाइज ब्लेस करिए कुछ रिपोर्ट में ना आए, अच्छा से हो जाए, मतलब कुछ टेंशन ना हो, नहीं तो हम ही लोग दो ज़्यादा चॉइस करने वाले हैं जो ब्लॉगिंग करने का, बाकी तो कोई सपोर्टर है नहीं, तो ये बीमार पड़ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग ब्लेस करिए किसको कुछ ना हो, कोई दिक्कत ना हो और अच्छा से सब कुछ हो जाए।